कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान्यलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं नमापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विज्ञां प्रयच्छ परमं परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानधेन कीर्तनीयः सदा हरिः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद
से वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्या शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। यत्सांख्य प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति नारायण। संपस्थित सभागरणीय संत वृंद विद्वत वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, स्थान का अर्थ श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने किया। अभिकल्प स्थल प्रच्युति विहीन तत्व, उसी का नाम है मोक्ष। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम्, जिस पद मोक्ष की संपलब्धि सांख्यों को होती है, सांख्यों के द्वारा जो पद प्राप्त किया जाता है, कर्मयोग का आलंबन लेने वाला जो योग है अर्थात योगी है, वह भी कालक्रम से उसी पद तत्व स्थान या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्राप्यते का अर्थ श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने किया। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम यहाँ पर प्राप्ति नहीं है, जो नित्य ही प्राप्त है उसी की प्राप्ति है। अज्ञान युक्त आवरण के कारण ही जो अप्राप्त शरीखा परिलक्षित हो रहा है उसी की संपलब्धि का नाम यहाँ पर प्राप्ति है। अब अप्राप्ति और प्राप्ति में नियामक कौन है? श्री मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने, जैसा कि कल मैंने बताया, अद्वैत सिद्धि नामक ग्रंथ में मोक्ष के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के पांचवें अध्याय के इस पांचवें श्लोक के माध्यम से दो तीन शब्दों का प्रयोग करके ही स्वयं उसका सारार्थ व्यक्त कर दिया। अज्ञानकृत आवरण से विनिर्मुक्त हो जाना ही उस परम तत्व की प्राप्ति है। निरावरण ब्रह्मात्म तत्व का नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई अवस्था विशेष नहीं है, जागर स्वप्न या सुषुप्ति के समान या समाधि के समान, जिसका कालांतर में विलोप हो जाए। स्वरूप ही मोक्ष है।
अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत सकल द्वैत प्रपंच का अनात्मक प्रपंच का अधिष्ठान भूत जो प्रत्येगात्म तत्व है उसकी अद्वय रूपता का निर्णय ही मुक्ति है। मुक्तिरित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथारूपं हित्वा स्वरूपेण अवस्थिति मुक्ति। उपनिषदों में केवल इतना अंश है स्वरूप स्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग करना चाहिए। अब अनात्म वस्तु अगर कोई है तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म आत्मैवेदं सर्वम आदि वचनों की संगति कैसे प्राप्त होगी? तो रज्जु सर्प की रज्जु रूपता जैसे प्राप्त होती है वैसे ही सर्प स्वतः रज्जु नहीं है लेकिन रज्जु में ही सर्प भ्रम प्राप्त है। तो रज्जु सर्प की रज्जु रूपता के सदृश ही जगत की भ्रम रूपता सिद्ध है। ब्रह्म अधिष्ठानात्मक उपादान कारण जगत का सिद्ध है। चरम उपादान वेदांत प्रस्थान में अधिष्ठान पद वाच्य होता है जो कि सांख्यों के यहाँ कोई तत्व प्राप्त नहीं है। योगियों के प्रस्थान में भी ऐसा कोई तत्व प्राप्त नहीं है। पार्थिव प्रपंच का उपादान पृथ्वी को माना जाता है। पृथ्वी है भी क्योंकि पार्थिव प्रपंच पृथ्वी का तारतम्य संघात मात्र है। दो तीन दिनों में हमने संकेत किया मूल कारण किसको कहते हैं चरमकारी किसको कहते हैं इसका ठीक ठीक विज्ञान अपेक्षित है। निर्विशेषता की अवधि को ही परम कारण मूल कारण समझना चाहिए। सविशेषता की अवधि को ही चरम या अंतिम कार्य समझना चाहिए। कार्य कारण की मीमांसा भी सुदृढ़ होनी चाहिए। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होना चाहिए। इतना सा जो हमने तीन चार वाक्यों में कहा मुझे एक क्षण में नहीं प्राप्त हुआ है। 40-50 साल के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं जो अडोल स्थिति है। श्रोताओं का भाग्य बहुत ऊंचा होता है। मक्खन आपके पास किसी बर्तन में लाकर रख दे मक्खन के सेवन में कितना समय लगेगा लेकिन मक्खन की प्राप्ति की प्रणाली पर विचार करें तो गाय चाहिए भैंस को मक्खन लाने के लिए तो गाय तो चाहिए गोचर भूमि चाहिए फिर अंत में सबक्सा गाय चाहिए उसके निमित्त पयोधर से दुग्ध धारा निकले अनुग्रह पूर्वक को दुग्ध आपको भी प्राप्त हो फिर उस दुग्ध को दही का रूप दें फिर मंथन के माध्यम से नवनीत की प्राप्ति करें मक्खन की। मक्खन आ गया नवनीत आ गया
इसको प्राप्त करने के लिए पूरी सृष्टि की प्रक्रिया अपेक्षित है। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत मार्मिक प्रसंग आया है, प्रकृति को परमात्मा पृथ्वी पर्यंत पहुंचाते हैं, इसमें विज्ञान कौशल श्रम की पराकाष्ठा है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का छांदोग्य श्रुति के भाष में यह तथ्य है, फलावसानम जगत, फलावसानम जगत, सातवां अध्याय छांदोग्य शंकर भाष्य। जगत फलावसान है, फल पर्यवसायी है, चरम फल पृथ्वी है। परमात्मा अपनी शक्ति भूता प्रकृति को पृथ्वी तक पहुंचा देते हैं, प्रकृति को प्रकृति के रूप में रहने देते हैं, लेकिन परंपरा से चरमकारी पृथ्वी को भी बना देते हैं। पृथ्वी ना हो तो चारे आदि की प्राप्ति कहाँ से हो, गोचर भूमि कहाँ से प्राप्त हो। मक्खन आपके पास आ जाए, सीधे मक्खन सेवन मत कीजिए, कि मक्खन आया है कितनी घाटी पार करके, तो ब्रह्म से लेकर के दूध तक दही तक सब घाटियों पर विचार करना होगा। फलावसानम जगत, जगत फल पर्यवसायी है। और सांख्य सूत्र के अनुसार चिदवसान भोग है, चिदवसान, चिदवसान भोग है, चिदवसान चित्त में ज्ञान में अवसान पर्यवसान होता है भोग का, चिदवसान हो भोगा है। सांख्य सूत्र भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का मांडूक्य उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भाष्य में वचन है, सावधान होकर सुनेंगे। यह जो पुरुष है, हम आप जीव हैं, प्रत्यगात्मा, विषय का भोक्ता नहीं होता, प्रज्ञा का भोक्ता होता है। प्रज्ञा माने ज्ञान। देवता कौन होते, घ्राण भक्ष, महाभारत में आया है। नाग कैसा होता, मनुष्य कैसा होता है, देवता घ्राण भक्ष होते हैं। सूंघ करके ही देवता तृप्त हो जाते हैं, घ्राण भक्ष देवता होते हैं। हम आप जीव जो हैं, सचमुच में जीव का आहार क्या है, इस पर विचार करेंगे तो आज ही सिद्धों के सिद्ध, पीरों के पीर, मस्तों के मस्त, औलियाओं के औलिया, फकीरों के फकीर, अवधूतों के अवधूत, परमहंसों के परमहंस हो जाएंगे। चिदवसान होगा है, फलावसानम जगत। पुरुष जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं। किसके लिए पाप कर रहे, किसके लिए पुण्य कर रहे, भोग के लिए ना। भोग हमारा है क्या, ज्ञान। नार सिंह थे ना, तो उन्होंने चकोर पाल रखा था जब गृहस्थाश्रम में थे। चकोर अंगार को चबाता है, मीठा का अंगार को जाहे चकोर चबावे, चकोर अंगार को चबाता है। हमारे आपके बस की बात नहीं है, हम आप सीधे ज्ञान, हम आप ज्ञान को ही भोग्य बना लेते हैं। हमारा भोग्य ज्ञान है,
देवताओं से भी उच्च सूक्ष्म आहार हमारा आपका है, चिदवसानो भोगा है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, पुरुष प्रज्ञा ज्ञान का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं होता। अंत में सुखक ज्ञान होगा या नहीं, तो सुख हमारा साक्षात भोग्य होगा या ज्ञान हमारा साक्षात भोग्य होगा। विशेषण और विशेष में सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोहक ज्ञान, शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, पंचदशी का पहला प्रकरण। विशेषण कोटि प्रविष्ट पदार्थ हमारा साक्षात भोग होगा, भोग्य होगा, या विशेष कोटि प्रविष्ट पदार्थ हमारा साक्षात भोग्य होगा। सुखक ज्ञान में हम सुख के भोक्ता होंगे या ज्ञान के, ज्ञान हमारा भोग, हम ज्ञान ही भोग भक्षण करते हैं। जीव का भोग्य ज्ञान है, यह बात समझ में आ जाए तो पापड़ बेलना, अरबों घोटाले करना, ये करना वो करना, सब दंड फंद बंद। अब साहित्यिक भाषा में हम बोलते हैं सावधान, प्रकृति रूपी नायिका अपने प्राणनाथ परमात्मा का अंश शरीखा जो प्रत्येगात्मा है उसकी आरती उतारती है। जैसे कोई सूर्य की आरती दीपक के द्वारा उतारता है, सूर्य का ही काम दीपक है या नहीं। अष्टधा प्रकृति का पर्यवसान किसमें होता है, ज्ञान में। आत्मा तक ज्ञानातिरिक्त किसी की साक्षात पहुंच ही नहीं है हम आप तक। छांदोग्य श्रुति के छठे अध्याय का स्मरण कीजिए, अन्न का हमने सेवन किया, तांत्रिकों के पंच मकार नहीं, तीन मकार में पर्यवसान हो गया। त्रिवृत्तकरण के अनुसार अन्न का ये ग्रंथ हमारा लटका हुआ है, 500 पृष्ठ लिखने के बाद धारा गरीब की ओर चल गई। मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन 500 पृष्ठ तो लिख चुके हैं, 600-700 पृष्ठ और भी लिखने की होने की संभावना है। भगवत कृपा से तंत्र का विश्व में एक अद्भुत ग्रंथ होगा। तंत्रालोक जो अभिनव गुप्त पादाचार्य का है उसका भी उसने सारांश सन्निवेश करने का विचार है। तांत्रिकों के पंच मकार नहीं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है तांत्रिकों के पंच मकार का तात्विक स्वरूप क्या है उसी पर 100 पृष्ठ उसमें ग्रंथ में सामग्री है। तो मैंने संकेत किया कि अन्न पाते हैं तीन मकार परिणाम स्वरूप प्राप्त है। अन्न का जो स्थूल भाग है वो मल बन जाता है, सूक्ष्म भाग मांस बन जाता है, दो मकार मल मांस। अत्यंत सूक्ष्म भाग जो होता है मन हो जाता है, मन का उद्दीपक हो जाता है, इसलिए मन को अन्नमय माना गया है। इसमें हमारा अन्न कौन हुआ जी, क्या अन्न पंचीकृत है इस फैक्ट्री में डालने पर, वहाँ छांदोग्य श्रुति के अनुसार उपलक्षण विधा से त्रिवृत्तकृत है। त्रिवृत्तकृत मान के चले थोड़ी देर के लिए, त्रिवृत्तकृत जो अन्न है भोज्य पदार्थ है जठराग्नि तक पहुँचने के बाद त्रिवृत्तकरण की क्या स्थिति होती है, तीन विभाग हो जाता है अन्न का, स्थूल
सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्थूल विभाग मल बन जाता है, सूक्ष्म विभाग मांस बन जाता है। मल तो कुछ शरीर में रहता है, कुछ बाहर निकल आता है। मांस सप्त धातुओं में एक धातु ही है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत मन है, अति सूक्ष्म विभाग से मन का उद्दीपन पोषण होता है। हम तक क्या पहुंचा, हम आप जो हैं वो तो कारण शरीर से भी अतीत हैं, कारण शरीर के भी साक्षी हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए, मन का पर्यवसान किसमें होगा? मन माने अंतःकरण, या मन का अर्थ अंतःकरण। अंतःकरण का पर्यवसान अंत में किसमें होगा? अंतःकरण है क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों का संवेद स्वरूप अंतःकरण है। मन क्या चीज है? संकल्प विकल्प रूप है, संकल्प विकल्पात्मक मन है। संकल्प विकल्प क्या है? व्याकरण, वाक्यपदीयम। व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ सर्वोच्च कौन है? वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम 1.123 के अनुसार न सोष्टि प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाद्रिते, न सोष्टि प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाद्रिते। लोके व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। शब्दालंबन के बिना व्यवहार में किसी भी बोध या ज्ञान की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति नहीं हो सकती। व्याकरण का दर्शन कल मैंने संकेत किया था, वेदांत और व्याकरण में बहुत साम्य है। जनि कर्तुः प्रकृति ही, यहाँ पर व्याकरण ने परम तत्व को अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना। कर्तुः प्रकृति ही, प्रकृति मनोपादान कारण, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधा ब्रह्मसूत्र। हो गया ना, व्याकरण और वेदांत का साम्य है। जनि कर्तुः प्रकृति ही, एक ही तत्व के लिए बताया गया, वो कर्ता भी है उपादान कारण भी है। निमित्त और उपादान दोनों कारण एक ही तत्व है वैयाकरणों के अनुसार। इसी प्रकार न सोष्टि प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाद्रिते, व्यवहार साधक जितने बोध हैं उनका अभिव्यंजक संस्थान शब्द है। संकल्प और विकल्प मन का रूप है, हम यहाँ दो चार बार बोले होंगे, धैर्यपूर्वक सुनिए। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए, एक संकल्प या विकल्प करके बताइए, संभव है? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द, आगे में कुछ और जोड़ रहा हूँ, और या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए, एक संकल्प या विकल्प करके बताइए, संभव है क्या? आगे बढ़िए, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए, एक अध्यवसाय या निश्चय करके बताइए, संभव है क्या? पेंडुलम पकड़ लीजिए फिर घड़ी का चलना। फिर आगे बढ़िए, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए, एक स्मृति करके बताइए। फिर और आगे बढ़िए, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दीजिए, एक गर्व अहंकार करके बताइए, संभव है? मैंने शब्द या शब्दजन्य संस्कार क्यों कहा? शब्दजन्य संस्कार एक स्मृति के बल पर,
पलने पर था, आप भी रहे होंगे, हम भी थे बचपन में पलने पर, बोल भी नहीं सका था, बोलना भी आता भी नहीं हो रहा होगा। एक दिन में 5-7 बार घटना घटे, 5-7 काली काली सूरत वाली देवियाँ काली साड़ी पहने हुए चमकते हुए तलवार लेकर वो शरीर पर बजा दें एक साथ जोर से चिल्ला पर। अब घर की माताओं को पालना पर रखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता था वो जाने, उनमें सब को जीवित भी नहीं है, मैं क्यों पूछने जाऊँ। लेकिन मुझे याद है एक दिन में 5-7 बार यह घटना नित्य ही घटती थी। सो जाओ सुरेश जी, बढ़िया जगह है, सोने की जगह यही है। होते होते एक दिन यही दृश्य सामने आया। देखिए भगवान जो है ठोकर मार करके भी बोध देते हैं। एक दिन यही दृश्य आया तो मन में भाव आया, अगर मैं कटने वाला मरने वाला कोई तत्व होता तो पहले दिन ही एक ही वार में समाप्त हो गया होता। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो छिन्न भिन्न नष्ट हो नहीं सकता। उसके बाद वो घटना समाप्त, तो भगवान ने उतनी लीला करके वह ज्ञान पलने पर दिया। अगर मैं कल कटने वाला गलने वाला सड़ने वाला कोई तत्व होता तो पहले दिन इन देवियों के वार से समाप्त हो गया होता। इसलिए मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जो छिन्न भिन्न नष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद वो दृश्य कभी दिखाई नहीं पड़ा। अब मैं सोचता हूँ कौन सी भाषा थी, स्मरण तो मुझे है, स्मरण नहीं है तो कैसे बता रहा हूँ, वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है, मैं तो झूठ नहीं बोलता जानबूझकर। अब केकई के स्थान पर कहीं कौशल्या निकल जाए या किसी की बेटी को लेकर दहन सब निकल जाए, ध्यान ना हो कि बेटी है या बहन, वो अलग बात है, जानबूझ के झूठ नहीं बोलता। तो स्मृति जो मेरे हृदय में है, बिना अनुभूति की स्मृति नहीं, कोई ना कोई भाषा तो रही होगी उस समय। गरुड़ पुराण लीजिए, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंध लीजिए, जब हम आप गर्भ में होते हैं इतने महीने बाद ऋषि संज्ञा हमारी आपकी हो जाती है, उस समय कौन सी भाषा होती है जो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये तो हमारी व्यक्तिगत बात हुई पलने की। एक बार और घटना घटी, लगभग 10 साल के थे तो मूर्छित दशा में तुलसी के पास उठा दिए गए, अंदर होश बाहर बोलने की क्षमता नहीं। चाची जी बहन जी परिक्रमा कर रही थी, परिक्रमा कर ये भी देख नहीं रहा था, परिक्रमा कर लो अंतिम दर्शन, ये तो जा रहा है समाप्त, एक क्षण जीवित रहेगा या नहीं, रो रही थी। उनके रुदन तो कानों के द्वार से मन तक पहुँचा, फिर आया, हमें मरने वाला तत्व ही नहीं है, उठ के एकाएक बैठ गया, सबको घोर आश्चर्य हुआ, सबको डर भी लगा। ये भी घटना भगवान ने दिखा दी कि मृत्यु का भी दृष्टा आत्म तत्व है। तो मैंने उदाहरण दिया वो जो पलने पर या गर्भ में जब ऋषि संज्ञा व्यक्ति की होती है, किस भाषा में व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, करता नहीं है तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में, गर्भोपनिषद में, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख क्यों है। इसीलिए मैंने कहा न स्वस्ति प्रत्यो लोके या शब्दानुगमाधृते, मन क्या है, संकल्प विकल्पात्मक, बुद्धि क्या है अध्यवसायात्मिका, चित्त क्या है स्मरणात्मक, अहंकार क्या है गर्भात्मक। लेकिन संकल्प विकल्प हो तो, निश्चय हो तो, गर्भ हो तो, स्मरण हो तो, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना
क्या होगा, न स्मरण की सिद्धि होगी, न गर्भ की सिद्धि होगी, न निश्चय की सिद्धि होगी, न संकल्प की सिद्धि होगी, न विकल्प की सिद्धि होगी। शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही हमारा अंतःकरण है, यही सार निकला ना। अब ज्ञान का पर्यवसान शब्द में या शब्द का पर्यवसान ज्ञान में, एक और मैं बता दूं, न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमा द्वितीय के स्थान पर काल ज्योतिषी लोग, काल के जो मर्मज्ञ हैं, शब्द के स्थान पर काल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। न सोचती प्रत्ययो लोके या शब्दा शब्दा शब्द के अनुगम से काल के शब्द के स्थान पर ज्योतिषी काल का प्रयोग कर देते। हमारी एक कारिका है, ज्ञान में शब्द का अनुभेद है तो कोई शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान का अनुभेद ना हो, वो अलग और गंभीर विषय है। तो हमने एक संकेत किया कि शब्द का पर्यवसान ज्ञान में होगा या नहीं, किमिदम सामने माइक नामक यंत्र है, किसी जिज्ञास ने पूछा कि मिदम यह क्या है, उत्तर दिया गया कि यह माइक नामक यंत्र है। माइक में जानबूझ के बोल रहा हूँ, पूज्यपाद महाराजा श्री कहते थे अरे अंग्रेजी का शब्द क्यों मानते हो, माइक है माया से निर्मित, धीरे से बोलोगे भी तो भी सब जगह आवाज़ फैला दे, माइक है। चंदोसी वाले शेर जी कहते थे अली मियाँ के नाम पर अलीगढ़ क्यों मानते हो, बलराम जी की अलियों सखियों का गांव था वो अलीगढ़, क्योंकि उधर रामघाट है या नहीं। बलराम जी के नाम पर गंगा जी के घाट का नाम है रामघाट, राम माने बलराम, बलराम जी की सखियां रहती थी इसलिए नाम अलीगढ़। पूज्यपाद कहते थे माइक होने के कारण, जादू युक्त होने के कारण, चमत्कार युक्त होने के कारण, ध्वनि का विस्तारक होने के कारण, अंग्रेजी शब्द अपनी जगह। तुलसीदास जी के समय तो अंग्रेजों का शासन भी नहीं था भारत में, लेकिन वर्षा ही जलद भूमि नियर आए, नियर शब्द का प्रयोग पहले कर दिया, नियर माने नजदीक, वर्षा ही जलद भूमि नियर आए, नियर आए लो। अब तुलसीदास जी तो नियर शब्द का प्रयोग अंग्रेजी जानते थे या नहीं, अंग्रेज भारत में आए भी नहीं थे, पर तुलसीदास जी ने वर्षा जलद भूमि नियर आए माने नज़दीक समीप के स्थान पर, नियर शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया। कहा जा सकता है कि अंग्रेजी बहुत बढ़िया जानते थे। तो हमने क्या संकेत किया कि मिदम या माइक नामक यंत्र है, माइक सुनते ही क्या हुआ, इस माइक नामक यंत्र का ज्ञान हो गया, यह माइक नामक यंत्र है। अब क्या हो गया, जिज्ञासा की पूर्ति होते ही विभाजक रेखा समाप्त हो गई, किसकी, अभिधान और अवधेय की विभाजक रेखा समाप्त हो गई, मात्रा और पाद में एकत्व, अभिधान और अवधेय में एकत्व, इसलिए शब्द ब्रह्म जो है परब्रह्म से एकीभूत होकर महाप्रलय की दशा में रहता है। वस्तु का विज्ञान करा देने के बाद शब्द जो है विज्ञानातिरिक्त शेष नहीं रहता, इसलिए हमने संकेत किया कि शब्द का पर्यवसान भी ज्ञान में हो जाता है। ज्ञान और शब्द का संवेद स्वरूप ही सारा संसार है, अंतःकरण ही नहीं, क्योंकि प्रकृति का अर्थ कल्प ने बताया, प्रकृति माने शीतोपनिषद के अनुसार, गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद के अनुसार, वैयाकरणों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ प्रकृति का अर्थ है प्रणव, सांख्यों के यहाँ जो कार्य चलता है त्रिगुणमयी प्रकृति से, त्रिमात्र प्रणव से हमारे यहाँ सारा काम सज जाता है, इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति के स्थान पर प्रणव
सीता भगवती प्रकृति रूपा हैं, माने प्रणव स्वरूपा हैं, प्रणवात्मिका हैं। तो हमने एक संकेत किया, तो विषय क्या चल रहा था? विषय यह चल रहा था कि मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने बताया निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है। अवान्तर विषय हमने उठाया, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, चिदवसानो भोगः, हमारा आपका भोज्य साक्षात भोज्य प्रज्ञा है, ज्ञान ही है। जो हमारा तात्विक स्वरूप है वही आभास भूत होकर अभिव्यक्त होकर हमारा भोग्य बन जाता है। हम घ्राण भक्ष नहीं, हम तो ज्ञान भक्ष हैं। क्या जीव तक किसी भी पदार्थ की पहुंच ज्ञानातिरिक्त होकर संभव ही नहीं है। क्या जैसे नर्मदा जी में जो पाषाण विशेष होता है लुढ़कते पुढ़कते शिवलिंग का रूप धारण कर लेता है, वहाँ की जलधारा से थपेरा खाता खाता, वैसे ही जगत लुढ़कता पुढ़कता जीव तक पहुँचे तो ज्ञान ही होकर शेष रहता है। फलावसानम जगत चिदवसानो भोगः, जीव प्रज्ञा का भोक्ता होता है, विषय का भोक्ता नहीं होता। पंचदशी के प्रथम प्रकरण का आलम्बन लीजिए, या जो सृष्टि है हम तक आप तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, इसकी लाचारी है। पांच में कोई एक रूप धारण करे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्दाभिव्यंजक संस्थान, स्पर्शाभिव्यंजक संस्थान द्रव्य विशेष, रूपाभिव्यंजक संस्थान, रसाभिव्यंजक संस्थान, गंधाभिव्यंजक संस्थान, इसका नाम है पंचदशी में भेदकोपाधि। भेदकोपाधि पारिभाषिक शब्द। एक सेब लीजिए, नाशपाती लीजिए, खाजा लीजिए, सेवन कीजिए, कोई ऐसी इंद्रिय हमारे पास नहीं है कि समग्र सेव का बोध हो जाए, उसके पांच विभाग हो जाएंगे। कान के माध्यम पांच विभाग माने खाजा, दीर्घ शस्कुली मधुसूदन सरस्वती जी ने उदाहरण दिया, मालपुआ या खाजा ले लीजिए इतना बड़ा, पहले मिथिला में इतना मोटा इतना बड़ा खाजा बनाया जाता, पूरी में तो इतने इतने बड़े, मिथिला में इतना मोटा इतना बड़ा खाजा लिया, कुछ अंश अंदर है, दांत से काटा, कट क्या हो गया, शब्द होकर पहुंच गया। रसनेन्द्रिय के पास भी त्वक है यानी स्पर्श पहुंचा, हाथ से पकड़े हैं तो स्पर्श, आँखों से रूप देख रहे हैं रसनेन्द्रिय के माध्यम से रस, नासिका के पास है विनेगंध, भेदकोपाधि, समग्र खाजे का दीर्घ शस्कुली मालपुए आदि का ग्रहण हम नहीं कर सकते, भेदकोपाधि पांच विभाग हो जाएगा। कान के द्वारा शब्द का, त्वक के द्वारा स्पर्श का, नेत्र के द्वारा रूप का, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का, ग्रहणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होगा। तो जगत का पर्यवसान हो गया शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, अब शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पर्यवसान किस में होगा, शब्द ज्ञान में, स्पर्श ज्ञान में, रूपक ज्ञान में, रसक ज्ञान में, गंधक ज्ञान में, पर्यवसान एक में हुआ या अनेक में? कदाचित कहें कि सुख दुख मोह में, क्या कोई पदार्थ हमारे लिए सुखद है, कोई दुखद है, कोई मोहप्रद है, कभी सुखप्रद कभी दुखप्रद कभी मोहप्रद, सुख दुख मोह के माध्यम से सत्व रजस तमस की दृष्टि से बोल रहा हूँ, उसका भी पर्यवसान अंत में कहाँ होगा? सुखक ज्ञान दुखक ज्ञान मोहक ज्ञान, सारा संसार लुढ़कता पुढ़कता हम तक पहुँचेगा ज्ञान होकर या और कोई, नान्या पंथा विद्यते या नाया। देवताओं से भी हमारा आहार सूक्ष्म हो गया या नहीं? क्या
हम क्या हैं, अब देवताओं की पूजा आदि से बंद कर देना चाहिए, मेरे प्रवचन सुनकर ही अभिप्राय नहीं। ऐसे ऐसे नास्तिक श्रोमणि शंकराचार्य ने कहा है ना, तो आज से देवी देवता साहब शालग्राम आदि छोड़ दो, नास्तिकता नहीं, ये भी बता दो। जब हम मनुष्य अपने को मानते हैं तो देवताओं से अवर योनि है या नहीं हमारी? आप स्वयं कहाँ हैं? मैं कुछ और ढंग से बोल रहा हूँ। कुछ गुरुदेव कहते थे, देखो ये सब ठीक है जो पढ़ा रहा हूँ, जगत मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म है सब, पर तुम देखना अपने आप को। हम पाठकों को कहते थे, तुम कितने पानी में हो, तुम्हारी स्थिति कहाँ है, अपने को धोखा मत देना। कुछ गुरुदेव कहते थे, अपने को धोखा मत देना, कितने पानी में हो। पूज्यपाद महाराज जी क्या कहते थे, चेले और चेलियों के द्वारा दिए हुए प्रमाण पत्र से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु उनके लिए कल्याण के लिए है, आप अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हो क्या, रमेश हलवाई भी अभी हो या नहीं ये विचार करो। चेले चेली के द्वारा दिए हुए प्रमाण पत्र के आधार पर अपने को वरिष्ठ श्रोत्री ब्रह्मिष्ठ मानना नरक में ले जाना है, किसी दूसरे के द्वारा प्रमाण दिया जाता है, देखिए हम सचमुच में किस पानी में हैं। जब हम मनुष्याभिमान से संपन्न हैं तो हमारे लिए देवी देवता वो तो देवत्व को प्राप्त हैं, देवयोनि को प्राप्त हैं। देवताओं के उत्कर्ष के लिए किसी को हमारे प्रवचन का गलत उपयोग करने का अवसर न मिले। देखो मैं अपनी बात कहता हूँ, पार्थिव लिंग का पूजन, शालग्राम का पूजन, नर्मदेश्वर का पूजन, गायत्री मंत्र का जप और संबंध से, आयु से, कुलशील से, वरों के चरण छूने से यहाँ तक पहुँचा, अपने साधना से कुछ नहीं, गुरुओं के अनुग्रह से पार्थिव लिंग के पूजन यानी शंकराचार्य होने के लिए मैंने कोई साधन किया, भगवत प्राप्ति के अलावा जीवन का कोई लक्ष्य था ही नहीं। अभी भी भगवान से कहता हूँ कि आपकी भावना के विरुद्ध गुप्त या सुप्त वासना के कारण मेरा कोई व्यक्तिगत अभियान हो, आज ही आग लग जाए उस पर, मुझे नहीं चाहिए कोई व्यक्तिगत अभियान। आपका जो लक्ष्य है धर्म संस्थापन, उसमें मेरी कोई सहभागिता आपने मुझे निमित्त बना रखा हो, वही मेरा अभियान हो तो पूरा होने दीजिए, मेरी वासना कहीं जुड़े उस अभियान को आज ही जला दीजिए। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ। तो मैंने संकेत किया, क्या संकेत किया, जब हम अपने को मनुष्य मानते हैं तो देवताओं का उत्कर्ष हमसे ज़्यादा हुआ या नहीं? अपने को मनुष्य मानते हैं और देवता का पूजन नहीं करते वेदांत के नाम पर, देवता को धोखा देते या अपने को धोखा देते क्या? यमराज की एक घुटकी के सामने वो ब्रह्मास्त्र चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अपने को धोखा नहीं दीजिए, आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही होगा, ये फिर अपने को देखना चाहिए कितने पानी में। और एक और बात कह दें ताकि देवताओं का महत्व समझ में आ जाए, चंद्रमा मन सो जाता हिरण्यगर्भ, बहुत चला कहाँ पर, वृद्धारण्यक में, अश्वमेध पर भी 3 महीने 2-2 घंटे पढ़ाते रहे, 3 महीने में अश्वमेध का प्रकरण पूरा हुआ। अश्व क्या है, अश्वमेध क्या है, अश्वमेध का अर्थ ही बता दें ध्यान में, अश्व माने फूला हुआ शब, अमेध्य, अश्व का अर्थ होता है अमेध्य, व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ अश्व का है, फूला हुआ शब, चेतना विहीन उच्छूनावस्था को प्राप्त शब, मेध का अर्थ होता है मेध्य, अश्व माने अमेध्य और मेध माने मेध्य, दोनों को मिला देने पर अश्वमेध बनता है। मेध्य और अमेध्य वह प्रक्रिया जिससे अमेध्य मेध्य हो जाए उसका नाम अश्वमेध है, बहुत ऊंची स्थिति है। हमने संकेत किया सज्जन, तो क्या संकेत किया, चंद्रमा मन सो जाता है
हिरण्य गर्भ के श्री विग्रह से कैसे एक एक देवता प्रकट हुए, ये सब हृदयारण्यक उपनिषद में बहुत मार्मिक ढंग से है। चंद्रमा मन सो जाता, हिरण्य गर्भ के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और हमारे मन के देवता चंद्रमा हैं। देवता और हम में आकाश पाताल का अंतर हुआ या नहीं? हिरण्य गर्भ के चक्षु से आदित्य की उत्पत्ति हुई, हमारे चक्षु के देवता आदित्य हैं, वहाँ के भाष्य हमारे भाषक हो गए। देवताओं का उत्कर्ष हुआ या नहीं? देवताओं को न मानने से देवता कोई घाटे में रहेंगे कि आप घाटे में रहेंगे? मैंने संकेत किया, लेकिन ब्रह्मसूत्र अभी पढ़ा चुके भाष्य भांति सहित, उसके एक अधिकरण के शंकर भाष्य का पूरा सारांश तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जगह लिख दिया। जब तक उस शंकर भाष्य सहित ब्रह्मसूत्र उस अधिकरण का सधा न हो, तब तक इस पंक्ति का रामायणी तो अर्थ लगा ही नहीं सकते। आजकल के रामायणियों की लाचारी यह है कि दर्शन शास्त्र बिल्कुल नहीं जानते, तो कथा भाग कह दीजिए, नाच लीजिए, गा लीजिए, दर्शन के जितने वाक्य हैं उसमें एक का भी अर्थ नहीं कर सकते। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक इसी का अर्थ कर दो, नहीं कर सकते। यहाँ मुख बन ये है क्या? अरे मुखगत प्राण का नाम मुख है, यहाँ मुख का अर्थ यह नहीं है, मुखगत प्राण का नाम मुख है। रामचरितमानस में भगवत कृपा से रामचरितमानस में जितने दार्शनिक स्थल हैं सबका बोध प्राप्त है। आजकल तो रामायणी का मिलना भी कठिन है, पंचदशी आदि के जानकार, ब्रह्मसूत्र खंडन खंड, चित्सुखी अद्वैत सिद्धि के जानकार की तो बातें ही छोड़ दी, रामायणियों का मिलना भी कठिन है, दर्शन कुछ जानते ही। इसीलिए मैंने एक बार श्री रामानुज जी से कहा था, जब तक स्वस्थ रहे यहाँ से लेकर वहाँ तक अंतिम समय तक जब तक स्वस्थ रहे प्रवचन सुनते थे। ठाकुर जी जिनसे वेदांत ये भागवत पर, उनसे मैंने कहा था आपको आगे चल के रोना होगा। श्री रामानुज जी चौंक गए, बहुत मानते थे हमको। हमने कहा कि दर्शन भाग को छोड़कर कथा भाग आप नहीं छोड़ रहे, दर्शन भाग छोड़ रहे, आपके चेले चपाटी कथा भाग भी छोड़ के नाचने लग जाएंगे, तब आप क्या करिएगा, आपको रोना आएगा। दर्शन के तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए कथा भाग है, आख्यायिका और इतिहास दोनों, पुरंजन पुरंजनी आख्यायिका है, इतिहास नहीं, बाकी सब इतिहास हैं। तो हमने कहा कि पहले भागवत कहने वालों ने अन्याय ये किया कि दर्शन भाग को छोड़ कर भागवत कहना शुरू किया, उनके चेले चपाटी ने कथा भाग भी छोड़ दिए, वो कथा नहीं छोड़ते थे। अब तो नाच गान क्या क्या कथा के नाम पर भगवान ही बचा दें, भाव कुभाव राम नाम निकले, हम तो किसी सबके समर्थक हैं, लेकिन भागवत का तो तिरस्कार होता ही है ना। उल्टे हमारी बात पर गई, चौमासे में किसी ने भागवत सुने, हम तो 2 महीने कथा कहते हैं चातुर्मास में, अधिक मास हो तो 3 महीने, 1.5 घंटा लगभग रोज पूरी में कहते हैं। एक ने कहा 5-7 दिन सुनने के बाद, आप जो कहते हैं ये भागवत है या हमने सुना है वो भागवत है, आप जो कहते हैं भागवत है ही नहीं, मुझे ही बहुत बेवकूफ बना दिया। मैंने समझ गए, आप जो कहते हैं कि भागवत है ही नहीं, भागवत तो इसका मतलब उसने जो नाच गान वाला भागवत सुना था मेरे ऊपर ही पानी फेर दिया, आप जो कहते भागवत है ही। एक बार काशी काशगंज में भी पिटाई लगी, फिर भाग जाल शरीर से नहीं, एक कोई वैश्य बनिया कथा सुनता रहा भरत चरित पर, शायद उसने 20-25 कथा सुनी होगी 20-20 घंटे, बाद में जाके टिप्पणी की आप कोई कथा कहते हैं, कुछ भी ज्ञान आपको नहीं है। अरे राम, हमने सोचा ये व्यापारी नहीं मेरी मुझे मूर्ख बना दिया, हम तो आत्मनिरीक्षण करते हैं, हो गए भाई मूर्ख होंगे क्या कहें। हमको एक उत्सुकता हुई,
तुम्हारी दृष्टि में कथा कौन कहते हैं? गया प्रसाद जी के बेटे पुत्र, समझ गए, बिंदु जी के चेले गया प्रसाद जी के बेटे कथा कहते हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। मैंने कहा अच्छी बात, अब मेरे मन में आया कि एक बार उनकी कथा कहीं ना कहीं सुननी चाहिए। पंडित गया प्रसाद जी मुझको बहुत मानते, उनके लाडले प्यारे पुत्र कथा बार में उनको नाम भी नहीं देखा, जानता भी नहीं था। दैव योग से मैं सुक्ताल में था, दैव योग से वो आ गए और दंडे स्वामी ये सब ने उनसे कहा कि आपका, मैं शंकराचार्य पद पर नहीं, आप कथा कहिए। मैं कथा श्रोता बन के नहीं गया, पीछे अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठा रहा कि आज अवसर मिल गया, मैं श्रोता होकर नहीं जाऊँगा। एक से एक सिद्ध थे वृंदावन में, मालूम है देवरावा बाबा ये सब मेरे लिए सिद्ध महाराज, समझ गए, मेरे लिए परम सिद्ध सिद्ध पूज गुरुदेव। मैं उन सिद्धों से बहुत दूर रहता हूँ। यहाँ पर कई सिद्ध थे, देवराव बाबा तो सिद्ध थे, और कौन थे, वही पागल बाबा भी सिद्ध थे, माँ आनंदमयी भी सिद्ध थी। एक सिद्ध यहाँ पर थोड़े थे जब मैं रह रहा हूँ, था कई सिद्ध थे, और वो जो बता गए थे नीम करौली वाले सिद्ध थे। मैं सब सिद्धों से दूर रहता, मेरे लिए महाराज सिद्ध, इनको सरस्वती सिद्ध है वो मेरे लिए सिद्ध है। अपमान किसी का नहीं, लेकिन सबके पास हम लोग जाते भी नहीं। अब हम पीछे सुनते रहे, पहली बार हमने किसी कथा उत्सुकता पूर्वक सुनी कि कैसे में मूर्ख सिद्ध हो गया, कैसे ये विद्वान है। और वो गागा कर जब कहने लग गए तो हमने समझ गया वो व्यक्ति इतना मूर्ख था कि मेरी बात क्या सुनता। इनकी कथा पर लट्टू तो मैं समझ गया कि मैं मूर्ख नहीं, समझ गए ना। तो मैंने क्या संकेत किया, तो मैंने यह संकेत किया कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपद सोई। पूरे ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य के एक अधिकरण का सारांश है। विषय ग्राही ही है, ग्राहक नहीं है, विषय की अपेक्षा करण में चेतना अधिक है, करण की अपेक्षा अनुग्राहक देवता में चेतना अधिक है। वेदांत में प्राथमिक चैतन्य देवता को ही माना जाता है शंकर भाष्य के अनुसार। उन देवताओं की अपेक्षा भी जीव में चेतना अधिक है। एक जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देव भावापन्न होता है, देव योनि को प्राप्त करता है, वही मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। 84 लक्ष योनियों में देव योनि भी है, तो मूल स्वरूप देवता का भी जीव है या नहीं। दूसरी बात है, करण के भेद से देवता में भेद है, देवता में भेद है, लेकिन करण 1 अरब व्यक्ति हैं। कल्पना कीजिए इस भवन में 1 अरब व्यक्ति के 2-2 आँख की गोलक भी बना लें, इतने आँख हो गए या नहीं। लेकिन अनुग्राहक देवता सूर्य के होंगे या नहीं। व्यष्टि 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 जितने आँख हैं समष्टि में सबके अनुग्राहक देवता सूर्य के हो गए या नहीं। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि हमारे जीवन में करण के भेद से देवता में भेद, वाक को लेकर अग्नि ऐसे, लेकिन करण के भेद से देवता के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति हुई क्या, हम में भेद की प्राप्ति हुई क्या। करण के भेद से देवता में भेद, विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से देवता में भेद, लेकिन देवता के भेद से जीव में भेद नहीं। करण और देवता दोनों सुसुप्ति में सुप्त हो जाते हैं, दोनों की गति नहीं, जीव की गति प्राज्ञ के रूप में रहती है। इसलिए देवता से ऊंचा स्थान जीव का है, जीव के भी जीवन धन भगवान जगदीश्वर हैं। अगर कोई जीव जहाँ पर है आसन से मत डोल रहे तो पी मिलेंगे, समझ गए। सचमुच में इस रहस्य को जानता है तो लोक संग्रह की दृष्टि से देवताओं को नमस्कार करेगा। देवता के अनुग्रह से कोई देव
भाव से उत्तीर्ण होकर के जीव भावापन्न होता है, कृतज्ञता व्यक्त करेगा। कभी कभी हम लोग अपने ताव में आकर कुछ बोलते हैं, बहिर्मुख व्यक्ति कुछ और ही समझ जाएंगे, कोई व्यवहार में पहेली आ जाती है तो मैं फिर अपनी दुनिया से बोलता हूँ जहाँ रहता हूँ। कभी कभी इस बार 4-5 बार बोलना पड़ा, कुछ त्योरी चढ़ी होती है तब प्रेम पूर्वक, देवराज इंद्र आएंगे मैं नमस्कार करूँगा, आप देवराज इंद्र हैं, अभिवादन करूँगा। देवराज इंद्र घुरकी देने लगेंगे तो कहेंगे मैं जहाँ हूँ वहाँ आपकी गति नहीं है, चुप रहिए, आप मुझे कुछ भी मांगते रहिए, वहाँ भी मैं ये कह दूँगा मैं नमस्कार करता हूँ, आपके प्रति स्नेह है, सम्मान है, आदर है, सब कुछ है, आप घुरकी देंगे तो आपकी पहुँच वहाँ नहीं है जहाँ हमारी पहुँच, समझ गए। तो जो व्यक्ति जीव जहाँ है वहीं स्थिर है, आसन से मत डोल रहे, वो देवताओं का भी नियामक हो सकता है, व्यवहार में देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ भी देवता भी घुरकी दे दें तो फिर कहेंगे बंदर की घुरकी यहाँ काम नहीं दे। इसलिए फिर ये उड़ीसा का मुख्यमंत्री या वो सब जितने हमको ताने कसते हैं, गुप्त और प्रकट वार करते रहते हैं, उन सबको हम क्या गिनेंगे फिर। बहुत से नरसिंह राव भिड़ चुके, मुलायम सिंह भिड़ चुके, लालू यादव भिड़ चुके, नरसिंह मिश्र भिड़ चुके, अभी गुप्त रीति से उड़ीसा के मुख्यमंत्री भिड़ रहे, कई प्रधानमंत्री भिड़ चुके, भिड़ते रहो भाई, तुम सब दुर्बल हो, तुम्हारी गति वहाँ नहीं है। इसलिए मैंने संकेत किया, अगर ये जो विवेचन चल रहा है ना, ये ढंग से विवेचन हो, आत्मसात करें, तो जब युग परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, भगवान को जो अभीष्ट है वो स्वस्थ क्रांति क्यों नहीं हो सकती। इतने वेदांती भरे हुए हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्या धनमान के लिए वेदांत का उपयोग, विद्या का उपयोग, वैचारिक बम नहीं है, इस पर विचार नहीं करते तो ज़्यादा न फैलाकर हमने कहा कि प्रज्ञा का जीव क्या किसका भोक्ता होता है, ज्ञान का ही भोक्ता होता है। माने ज्ञान ही एक बहुत विचित्र बात है, एक उदाहरण देता हूँ, इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम, चेतना क्या हुआ, चेतना फिर क्षेत्रम, सुखम क्षेत्रम, सुख क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ, सुखमस्यात्मनो रूपम श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध नारद जी का वचन, यो वै भूमा तत्सुखम, सुख आत्मा है और क्षेत्र कब है, अभिव्यक्त सुख का नाम क्षेत्र हो जाता है, ध्यान गया, चेतना आत्मा है, अभिव्यक्त चेतन का नाम चेतना, नहीं ध्यान गया, दर्पण ले लिया सामने, यह मुख क्या है, मुख है, अब जो दर्पण में मुख है वो मुख है क्या, छाया है या नहीं, आभास है या नहीं, प्रतिबिंब है या नहीं, क्षेत्रज्ञ अपने स्थान पर जो के त्यों रहता है आत्मतत्व, अभिव्यक्त होते ही उसकी क्षेत्र संज्ञा हो जाती, ध्यान गया। अब दर्पण के माध्यम से मुख देखा कैसा है क्या है, अब मुख कहाँ चला गया, चला क्या गया, उसका मौलिक स्वरूप शेष रह गया, सुख अभिव्यक्त सुख हुआ तो हम भोग्य हो जाएगा, भोग्य होते वो क्षेत्र हो गया, सुखम क्षेत्रम सुखमस्यात्मनोरूपम, दोनों ही बात है, सुखमस्यात्मनोरूपम भी सुखम क्षेत्रम भी, अपने को ही जीव क्षेत्र बनाकर अनुभाव्य बना लेता है। इसी प्रकार से ज्ञान हो गया भोग्य, ज्ञान स्वरूप जो यहाँ पर सुख भोग्य कब हुआ, चेतना जो है वो ज्ञान है, ज्ञान है भोग्य, और उपाधिक धरातल पर अभिव्यक्त आत्मा ही हमारे लिए भोग्य बन जाता है। एक ही तत्व में, एक ही पदार्थ में भोग्य और भोक्तृभाव की सिद्धि हो जाती है। बहुत लंबा विषय चला, कहाँ से चलाए थे इसको, यहाँ से चलाए थे कि मधुसूदन सरस्वती महाभाग ने कहा
निरावरण आत्मा का नाम मोक्ष है। यत् स्थानम प्राप्यते सांख्य ये प्राप्यते का अर्थ नित्य प्राप्ति ही यहाँ पर अज्ञान मात्र से अप्राप्त होने के कारण और अज्ञानकृत आवरण के कारण मानो अप्राप्त सरीखा था, अतः ज्ञातत्वोपलक्षित वेदांतियों की भाषा में ज्ञातत्वोपलक्षित अथवा निरावरण आत्मा का नाम ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष उत्पाद्य प्राप्ति इत्यादि नहीं है, आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मोक्ष। अब जो विषय चलाया था उस विषय का उपसंहार क्या हुआ, दृश्य को लेकर कहा गया कि सर्वम खलुदम ब्रह्म और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये दोनों बात कैसे बनेगी, निरालंबोपनिषद ही है या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकराचार्य महाभाग ने तो उपनिषद को अपने ग्रंथ में उद्धृत ही किया है, बाकी है या उपनिषद ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सर्वम खलुदम ब्रह्म। तो रज्जु सर्प के समान ही जब तक जगत को नहीं मानेंगे, रज्जु सर्प मिथ्या भी है, रज्जु सर्प रज्जु भी है या नहीं, बाद हो जाने पर रज्जु सर्प रज्जु है स्वतः मिथ्या है। दोनों लक्षण जगत में मिथ्यात्व का लक्षण भी चरितार्थ है, ब्रह्म का लक्षण भी चरितार्थ है। किस प्रकार से सिद्ध हुआ कि आत्मतत्व अद्वय है, निरावरण ही है, लेकिन अनादि अज्ञानकृत आवरण के कारण जीवत्व की प्रतीति हो रही है। तत्वमस्यादि महावाक्यों के प्रभाव से अधिकृत व्यक्ति के जीवन में जब उसके अर्थ का उद्भव होता है तब जाकर जीव निरावरण ब्रह्म स्वरूप होकर शेष रहता है। हर हर महादेव।